दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है HRI न्यूज़ पर। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है EVM बैन करो। जी हाँ दोस्तों, EVM की वजह से ही BJP की जीत हुई है। आपको बताते चलें, जब तक बैलेट पेपर से काउंटिंग की गई, समाजवादी पार्टी BJP से आगे रही, लेकिन जैसे जैसे एक एक चरण में EVM खुलती गई, वैसे वैसे BJP आगे बढ़ती गई और समाजवादी पार्टी की लीड कम होती गई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, जो सिराथू से चुनाव हार गए, उन्होंने भी EVM पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि EVM में गड़बड़ी है, इसीलिए वह चुनाव हार गए। जब BJP के बड़े नेता ही EVM को लेकर सवाल उठाने लगे, तो फिर सोशल मीडिया पर लोग पीछे कैसे रह सकते थे। इसी के चलते EVM बैन करो ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा और यहाँ पर लोग केशव प्रसाद मौर्य को टैग करने लगे। देख सकते हैं, चुनाव आयोग और BJP की मिलीभगत की पोल खोल दी है पूर्व डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने EVM पर सवाल उठाकर, जिसके बाद लोगों को और बल मिल गया है, जिससे कि BJP और चुनाव आयोग की मिलीभगत सामने निकल के आ गई है दोस्तों। और EVM का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग एक बार फिर से तेज होने लगी है। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही थी केशव प्रसाद मौर्य के बयान को आधार बनाकर अब विपक्षी पार्टियां भी BJP और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।